राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम राजपुर बड़ा के बैरवा मोहल्ले में गत 20 दिनों से पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग राजपुर बड़ा में वार्ड नंबर 6 की सदस्य रूपंती देवी व सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सामने गेट पर तालाबंदी की और नारेबाजी की गई। वार्ड नंबर 6 की सदस्य रूपंती देवी ने बताया कि राजपुर बड़ा के बैरवा मोहल्ले में गत 20 दिनों से पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग राजपुर बड़ा एवं राजगढ़ से संबंधित अधिकारियों को सूचना बताई गई है, लेकिन जलदाय विभाग राजपुर बड़ा में स्थानीय कर्मचारी होने की वजह से एवं जातिगत भेदभाव होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं की गई। राजपुर बड़ा के बैरवा मोहल्ले में पीने का पानी का कोई स्रोत नहीं और महिलाओं ने बताया कि हमें 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के कर्मचारियों से फोन पर बात की गई तो उन्होंने पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की बात की। साथ ही राजपुर बड़ा के बैरवा मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि पानी की टंकी की सफाई 3 वर्षों से नहीं हो रही। वार्ड नंबर 6 की सदस्य रूपंती देवी ने बताया कि राजपुर बड़ा बैरवा मोहल्ले में पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, हम पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन करेंगे। जबकि थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने पानी की समस्या को लेकर राजपुर बड़ा को पानी सबसे बड़ा उपहार दिया, उसके बावजूद भी राजपुर बड़ा की जनता को पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस अवसर पर बैरवा मोहल्ले राजपुर बड़ा की वार्ड मेंबर रूपंती देवी, पूर्व वार्ड मेंबर फूलवती देवी, मिश्रा देवी, पूजा, कविता, मीना, हरबाई देवी, रामू, सनी, हीरालाल, राहुल, जितेंद्र, पन्नालाल, जगमोहन, कोलू, मनवाराया, साथी जशवंत, मुकेश, गौरव, मनवाराया व जिला उपाध्यक्ष एवं समस्त बैरवा मोहल्ले की महिलाएं एवं युवा वर्ग उपस्थित रहे। राजगढ़ से रामरतन मीणा की रिपोर्ट। जयकारा जो भी हो सकता है, पानी की समस्या बैरवा मोहल्ले में पानी आना चाहिए। जल विभाग, जल विभाग, जल विभाग, जल विभाग, जल विभाग, पानी नहीं आ रहा। 20 दिन हो गए, 20 दिन से बैरवा मोहल्ला में ओनली 10 मिनट फोर पानी आ रहा है, जिसमें पानी पीने के लिए भी पानी नहीं है और पूरे राजपुर में पानी जा रहा है। और सर इनका कहना ये है ना तो लाइट की आपूर्ति हो रही ना कुछ और हो रहा, इसका मतलब तो और जगह तो पानी आ रहा है और बैरवा मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। स्पष्ट रूप से सर भेदभाव की इनके उससे बू आ रही है, हमको कोई मतलब नहीं है। और सर पानी के लिए औरतें अपना काम छोड़ के और दूर दूर जगह जाती है, यहाँ पे तो ऐसे हालत हो रहा है जैसे जैसलमेर में भी नहीं है ना सर। हेडपम्प है हमारे पास, हम पानी तो पिए तो किससे पिए, कोई हेडपम्प है जो आपके शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रूपंती देवी है, बैरवा 6 वार्ड से वार्ड मेंबर। के लिए यह कर्मचारी से मालूम किया कि लाइट 5 घंटे 5:30 घंटे आती है, उसके लिए मैंने एक्शन साहब, आरएसएबी, एएन साहब से 5 दिन से लगातार प्रयास रहते हैं, जेएन से भी, जेएन आरएसएबी अब भी आएगा, इधर पीएचडी, एएन, जेएन और एक्शन से भी बात की है कि जो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम होगा उनमें लोरिंग पाइप बढ़ाएं जी। तीसरा टंकी पे जो गेज है वो आज से 3 महीने पहले सही करवाया था, वापस वो रुक गया, ये पता नहीं पड़ता कि टंकी भरी है कर्मचारियों को खाली है। ट्यूबवेलों की स्थिति क्या है, ट्यूबवेलों की स्थिति क्या है कि डिस्चार्ज सही दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, क्यों टंकी तो यूं ही सीधी हुआ है, गेज है नहीं, उसके लिए भी कई बार निवेदन कर दिया लेकिन अभी तक वो गेज भी पूरा सही नहीं हुआ। जेन से आज बात की उन्होंने, आपके साथ मेरी बात सुनो, आप जहाँ चलो आपके साथ है, जैसे भी हो वो इसमें आपको कभी नीचे तो आप सर सपोर्ट करो हमारा, बिल्कुल पूरा 100% हमको मतलब यहाँ फिक्स है, पानी समानता का अधिकार है सर, इनसे कहा कि आप ये पानी पानी समानता के रूप में वितरण होगा, इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, उनके लिए भी कर्मचारी से नक्शा बनाने के लिए मैंने कहा था किस प्रकार वितरण हो रहा है वो वर्तमान का नक्शा दे, क्योंकि मैं भी वाटर से जुड़ा हूँ, वर्तमान का जहाँ जहाँ जैसे कंट्रोल कहाँ कंट्रोल कर रखा है, कहाँ क्या कर रखा है, वो नक्शा बना। इनका कहना है कि टंकी की साफ सफाई भी नहीं हो रही, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है कब हुई है मेरे को पता नहीं है, 2018 में है ना, एम ई सर डेट लिख रहा, डेट देखो सर, डेट है ना, रिकॉर्ड है इनके पास, मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, इनकी समस्या का समाधान होगा आप तो ये बताओ। जेएन उन्होंने कहा कल आऊंगे मैं जी, और जेएन व्हीकल वो लेकर के पाइप लोरिंग के लिए जी, और इधर आरएसएबी जेएन भी अभी आ रहा है जी, लाइट बढ़ाने के लिए।
ये लगवाने के लिए भी इससे पता पड़ जाएगा कि वास्तव में टंकी भरती है या नहीं भरती। अगर टंकी भरती है कहाँ तो वो नेग्लिजेंसी कहाँ हो रही है, ये टंकी खाली है क्यों यही पता नहीं है, टंकी भरी है नहीं, गेज ही नहीं है, टंकी भरी है नहीं भरी है, कितना पानी आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमें हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमें तो पानी चाहिए। बिल्कुल हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा, पूरा ध्येय है पानी, बिल्कुल समानता के किसी के साथ पानी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, न होने देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये ऐसा है, हम तो एक निवेदन कर रहे हैं, पानी जा रहा है, कहीं भी नहीं जाएगा, टंकी का पानी समान जाएगा, जाएगा तो सब्जी का समान जाएगा। हमने ये पूछ रहे हैं कि कैसे कंट्रोल कर रखा है, कैसे डिवाइडेशन मैडम आप पानी भर मत दो, पानी आई नहीं है, 20 रोज हो गए पानी से, बिल्कुल भी बैरवा मोहल्ले में तो आई नहीं रहा है पानी, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बच्चे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे जाती है लेडीज, पानी का बैरवा मोहल्ला में ना ही एक हैंडपंप पे कोई साधन नहीं है, और जब तक टैंकर पानी का टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन टैंकर नहीं है।